हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करते हैं चैनल को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में कि हम किसी भी एग्जाम को कैसे क्रैक करें। ये स्ट्रेटेजी सभी एग्जाम के लिए, लेकिन हम किसको फोकस कर रहे हैं? एमसीए एंट्रेंस को। मैं इस चैनल पर एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको एमसीए एंट्रेंस के बारे में ही बताऊंगा। देखिए, एमसीए एंट्रेंस मैं बार बार बता चुका हूं, हमारा निमसेट का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हमारा आपका जेएनयू, बीएचयू, पुणे यूनिवर्सिटी बेटर है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत बेटर है। प्राइवेट में आपकी बिट्स बहुत ही बेटर है, लेकिन यहाँ हम आपको क्या बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि आपको टिप्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी साल में आप पढ़ रहे हो, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है सोचने के लिए भी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आप थर्ड ईयर में हो और आपको उसी फर्स्ट टाइमिंग क्रैक करना है, आप पहली बार में क्रैक कर दोगे। अगर आप वास्तव में क्रैक करना चाहते हैं, आपको एमसीए में एडमिशन लेना है, आपको अगर निमसेट चाहिए, निमसेट में टॉप एनआईटी चाहिए त्रिची, आपको लगता है ना कि यार मोटिव है आपका कि यार मुझे 100% प्लेसमेंट लेना है, अगर मुझे जाना है अच्छी बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन बड़ी कंपनियों में जॉब करनी है, तो आपके लिए अगर मेन मोटिव आपको एमसीए करके और ऐसी बड़ी कंपनियों में जाना है तो आप 100% थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम में निकाल सकते हो। तो आपको मोटिव चूज करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार चलो एमसीए हो जाएगा तो सही है, बीसीए में है या बीएससी में है। बीएससी और बीसीए के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैथ्स को लेके, ये बीएससी वाले ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हल्के, या बीसीए वाले थोड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं यार हमने मैथ्स कम पढ़ा है, बीएससी वाले ने अच्छा ज्यादा मैथ पढ़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी वाले को एक लॉन्ग मेथड पता है, क्या पता है? लॉन्ग मेथड पता है, लॉन्ग मेथड से जानता है उस क्वेश्चन को करना, और हमें 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे ज्यादा शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सबको एक न्यू सिरे से पढ़ना पड़ता है, नए तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें कि ये बीएससी में है, इसने मैथ ज्यादा पढ़ा है, या बीसीए में है, या अदर किसी स्ट्रीम में जिसने मैथ कम पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मोटिव है आपको एनआईटी लेना, तो आपको एनआईटी मिलेगी। उसके लिए पहले माइंड प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार बीसीए में पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, यार एमसीए मिल जाएगा अच्छी कॉलेज से हो जाए तो सही है, नहीं तो एसएससी सीजीएल कर लूंगा मैं, समझ गए ना। अगर एसएससी सीजीएल के लिए फटक रहे हो आप, ये किसी अलग सोचते हैं, कुछ बच्चे बीसीए करने के बाद एमबीए चले जाते हैं, ये बीटेक करने के बाद हमें एमबीए चले जाते हैं, तो आप एमबीए में भी कंफ्यूज हो, आप ये भी करना चाहते हो, आप एमएससी भी करना चाहते हो, तो इन अगर चीज़ों में कंफ्यूज हो आप तो कुछ नहीं कर सकते आप। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप एमसीए का एग्जाम नहीं निकाल सकते, आप भटकते रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर कोई एग्जाम आपको क्लियर करना है तो मेन मोटिव बनाना होगा आपको कि हाँ मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है। आपको एमसीए एंट्रेंस के लिए करना है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, आपको एसएससी सीजीएल या कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको, गवर्नमेंट चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा सकते हो। तो मेन मोटिव रहना चाहिए कि यार मुझे ये करने के बाद में, मैं एक और चीज़ आपको बता चुका हूँ, चाहे आप बीसीए कहीं से करो, बीएससी कहीं से करो, किसी भी बेकार कॉलेज से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एमसीए कहाँ से कर रहे हो या एमबीए कहाँ से कर रहे हो, ठीक है ना। आपने ट्वेल्थ में क्या कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बीसीए में अगर 60% मार्क्स हैं, आप 60% मार्क्स लेके आ सकते हैं, आपको 60% मार्क्स हैं तो आप एनआईटी दे सकते हो, पहली चीज़। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप जेएनयू दे सकते हो, अगर आप 55% मार्क्स हैं तो आप जेएनयू दे सकते हैं, और 50% मार्क्स हैं तो आप बीएचयू दे सकते हो, क्लियर है ना। तो आपको मेन है आपकी 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर 12th क्लास में और 10th में सभी के बनाएंगे, नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन में ही आपके इतने होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि हमारा मोटिव किस चीज में है, हम करना क्या चाहते हैं, पहले ये प्लान बनाएंगे। अगर आप वास्तव में एमसीए करना चाहते हैं, आपको वास्तव में प्लेसमेंट चाहिए, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन आपको मोटिव चेंज करना पड़ेगा, ध्यान लगाना होगा कि मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेनी है चाहे जेएनयू लेनी है, और मेन रहना चाहिए आपका कि मुझे निमसेट में, निमसेट का एग्जाम क्रैक करके मुझे एनआईटी त्रिची जाना है। जब आप एनआईटी त्रिची सोचोगे तब वरंगल और वो मिलेंगे, और एनआईटी त्रिची में भी एक रैंक की सोचा करो, समझ गए ना, एक रैंक मिलेगी तो एनआईटी त्रिची लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, चार सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है आपका, रीजनिंग होती है, और आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। अब मेन क्या है, मैथ्स 600 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, 240 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। अब 600 मार्क्स का तो मैथ्स आता है, और सबसे ज्यादा मेहनत भी हमें मैथ्स में करनी पड़ती है,
सभी कॉन्सेप्ट में करनी पड़ती है मैथ्स की। रीजनिंग 80 मार्क्स का है, सॉरी आपका इंग्लिश 80 मार्क्स का और कंप्यूटर 80 मार्क्स का है, तो इनमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी बस देखोगे गोला भर दोगे। तो उनको कम मेहनत करनी है तो थोड़ा लेट रख दीजिए, लेकिन किसको मेहनत ज़्यादा करनी है, मैथ्स का करनी है। तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपको MCA के लिए इतना टाइम निकालना ही निकालना है। और पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको MCA एंट्रेंस की ऑनलाइन वीडियो करा रहा हूँ, तो अगर मैंने डिटरमेंट पहले पढ़ाया, आप उसको देख लीजिए कि सबसे पहले सर ने कौन सी क्लास कराई है। अगर डिटरमेंट आपको पढ़ाया तो डिटरमेंट पढ़िए, उसके हर कॉन्सेप्ट को देखिए पहले। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उससे ट्रिक बना ही नहीं सकते। अगर मैंने आपको ट्रिक बताई है तो उन ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, आपको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर मैं जितनी भी ट्रिक होंगी सारे की सारी ट्रिक बता दूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं करा दूंगा। आप क्वेश्चन को बार 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 करें। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, कॉन्सेप्ट देखने के बाद में आप सॉल्व क्वेश्चन करें, जो सॉल्व एग्जांपल दिए होते हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व एग्जांपल पहले करो, कुछ क्वेश्चन क्या, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि सबसे सीधे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेरी ट्रिक देख ली, उसके बाद में सीधे सीधे क्वेश्चन करने लगे, आप बिल्कुल गलत करते हो। अगर आपको क्या करना है, पहले आपको खुद, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ट्रिक देख ली, पढ़ लिया उसको, तो आपको सॉल्व एग्जांपल पे जाइए, सॉल्व एग्जांपल को अपने आप से सॉल्व कीजिए विद इन टाइम। कुछ टाइम सेट कीजिए कि मुझे इतने ही टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर उस टाइम में क्लियर होता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप उस क्वेश्चन को सीधे सीधे आप उसमें आंसर चेक कर लीजिए, अगर आंसर उसका चेक कर लो, देखो कि हमने कहाँ गलती की, और कहीं भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आप उसका आंसर देख लिए तो उसमें क्या करो कि इसमें ये नहीं देखना है क्वेश्चन सॉल्व हो गया आंसर आ गया, आपको देखना है ये कैसे कंसेप्चुअली हुआ हमारा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना है मैथ्स को, ठीक है। स्टेप वन, पहले दिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि आज मुझे 50 क्वेश्चन करने, अगर इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप पहले 50 क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। उस दिन में क्वेश्चन को 50 क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए, अगले दिन स्टेप टू में अगर आप आते हो तो अगले दिन क्या करोगे, पहले उन 50 क्वेश्चन को करोगे। देखो आपको उन 50 क्वेश्चन को करने में पहले दिन टाइम लगा था, दूसरे दिन बहुत लेस टाइम लगेगा क्योंकि आपने कर चुके होंगे, क्लियर है ना। तो उन 50 क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद में आगे क्वेश्चंस को कीजिए, 50 क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है। तो आपके दो दिन में 100 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगले दिन जब जाओगे तो देखो जो 50 क्वेश्चन आप पहले दिन कर चुके थे, तीसरे दिन यानी थर्ड स्टेप, पहला स्टेप में क्या था, पहले दिन हमने 50 किए थे, दूसरे दिन हमने 50 किए थे, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। तो आप पहले 50 क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगा क्योंकि आप तीसरी बार उस क्वेश्चन को करने जा रहे हो 50 क्वेश्चन को, और जो 50 क्वेश्चन है उनमें भी कम टाइम लगेगा और अपने 50 क्वेश्चन हो गए तो उनमें लेस टाइम लगता चलेगा। तो कंप्लीटली आप कैसे करते जाइए, सॉल्व का एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ट्रिक कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ ट्रिक आप भी बना लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप भी कहोगे हाँ सर मैंने ये ट्रिक आपने नहीं बताई थी, ये ट्रिक यहाँ से मुझे मिली, इस क्वेश्चन को करने में ये तरीका सॉल्व हो जाए, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो पढ़ना आपको है, आपको टाइम निकालना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। दूसरी चीज, आप नोटबुक में नोट बनाइए, बस मेनली नोट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे सारा का सारा लिख दिया आपने तो बाद में आप पढ़ नहीं रहे। और डेली डेली उस नोटबुक को उठाइए, दो मिनट के लिए बस पलट लीजिए, पलट के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। डेली अगर पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको रिकॉल होती रहेगी। हमारा माइंड देखो एक्सरसाइज मांगता है, वो एक्सरसाइज होती है हमारी रिकॉल की, बार बार एक्सरसाइज करना मतलब रिकॉल करना। अगर बार बार हम रिकॉल करेंगे उस चीज़ों को तो हमें क्या होगा, वो चीज़ भूलते नहीं है, नहीं तो भूल जाएंगे। एक बार आपने डिटरमिनेंट पढ़ लिया, उसको साइड में रख दिया, मैट्रिक्स पढ़ने लगे, मैट्रिक्स पढ़ ली साइड में रख दी, तो वो दोनों चीज अगर आप बाद में पढ़ रहे हो 15-20 दिन या एक महीने बाद पढ़ रहे हो ना, उन्हें देख रहे हो, तो वो चीज आपको धुंधली धुंधली याद रह जाएंगी, फिर उतना ही टाइम लगेगा, उतने टाइम से थोड़ा बहुत कम टाइम लगेगा उतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनमें डेली टाइम दे रहे हो, आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट को आप क्लियर कर रहे थे, जैसे डिटरमिनेंट आपका क्लियर हो गया तो उसको अलग रख दो, मैट्रिक्स को स्टार्ट कर दो। अब मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ने से पहले क्या करोगे, डिटरमिनेंट को उठाओगे, अब लगा लोगे कि आधा घंटा मैं डिटरमिनेंट को दूंगा,
टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी आपको। आधा घंटा डिटरमिनेंट को दिया, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर लोगे आप, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब डिटरमिनेंट उस पर आ जाओ, मैट्रिक्स पे आ जाओ, मैट्रिक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कौन सा स्टेप? वही स्टेप वन 50 क्वेश्चन, दूसरे स्टेप में 50 क्वेश्चन पीछे वाले, फिर से यही चलता रहेगा। वो चला गया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट के लिए मेहनत हो गई थी पहले, तो रिकॉल 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 मतलब हर किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये मेन स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल कर रहे हो, आईआईटी के लिए कर रहे हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ देते हो तो मतलब आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी चीज पर। देखो दूसरी चीज क्या है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे नहीं आएंगे, तो आप उन पे डिमोटिवेट ना हो, पॉजिटिव रहें, आपके माइंड में अपने गोल को स्तर रखें, सेट करके रखें अपने माइंड में कि मुझे ये निकालना है यार तो क्यों नहीं आएगा। अगर मैं आप इंसान हो यार, ऐसा थोड़ी ना है कि यार जो चीज़ इंसानी तो हर चीज़ करते हैं, AI बनाने जा रहे हैं, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ दिमाग है हमारा, ब्रेन हमारा तेज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमसे ये निकल जाएगा, क्लियर है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना है। कभी कभी ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा डिमोटिव हो जाओगे, तो अपने आप को खुद ही मोटिव करो, मोटिवेट करो कि नहीं यार मैं इसे कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, आप कह दीजिए सर इस वाली बुक से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप खुद भी अगर डेली जो क्वेश्चन होते ना टफ वाले, उनको अलग नोटबुक बना लीजिए, उनको नोटबुक में अलग लिख लीजिए। आप अलग अलग लिखते रहोगे उन क्वेश्चंस को, जो टफ वाले क्वेश्चन है उन्हें अलग लीजिए, डेली उन पर टाइम दीजिए, डेली उन पर टाइम दीजिए। कब तक नहीं होगा भैया, आज आधा घंटा लिया था, कल 20 मिनट लेगा, कल 15 मिनट ही लेगा, नेक्स्ट डे 15 मिनट, नेक्स्ट डे 5 मिनट, एक ना एक दिन तो होगा, ठीक है ना। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो चला गया और शायद वही एग्जाम में आ गया। अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, उसको छोड़ के ही आओगे और आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी। तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या, आपको पॉजिटिव रहना है। डिमोटिवेट हो गई, प्रॉब्लम आएगी तो आपको उस प्रॉब्लम को छोड़ देना है, सोचना यार मैं कर सकता हूं, प्रॉब्लम को छोड़ दो यार, हाँ मैं कर सकता हूं, टेंशन होगी होने दो, थोड़ी बहुत रिलैक्स करो, माइंड फ्री कर दो, उसके बाद फिर पढ़ने लग जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, गाने सुन लो, म्यूजिक सबसे बेस्ट तरीका है माइंड को रिकॉल कराने के लिए, मतलब उसको एक्टिव करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए म्यूजिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप क्या करोगे, 10-15 मिनट छोड़ दिए, म्यूजिक सुन लिया, तो उससे रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना, रिलैक्स फील होगा तो आपको फायदा होगा, फिर आप पढ़ाई पर लग जाइए। अगर एक साल आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली तो आपका नेम सेट कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूँ आप नेमसेट निकाल दोगे। तो मोटिवेशन के लिए आपको खुद मोटिवेट होना है, आपको अपना माइंड में गोल सेट करके रखना है कि नहीं यार मुझे NIT नेमसेट जाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेमसेट त्रिची चाहिए, NIT त्रिची चाहिए, और उससे मुझे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एक से एक बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज चाहिए। अगर अभी मेहनत कर ली तो बाद में आप बहुत ही इंजॉय जियोगे, बहुत अच्छी लाइफ से जियोगे। अगर आपने अभी मेहनत नहीं की तो भाई वही प्रॉब्लम हो जाएगी आपसे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, माँ बाप के 10-12 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, उसके बाद में जाओ भैया वो 10,000 या 5,000 नौकरी के लिए डोलते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ सब परेशान रहते हैं इस चीज़ से। स्ट्रगल वहाँ कर लो या आप यहाँ कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको अपना गोल सेट करना है, चाहे वो MCA के लिए करना है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए करना है, चाहे किसी के लिए भी करना है यार, IIT NIT जो भी वाले बच्चे होते हैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेन मोटिव मेरा क्या है, अपने बच्चे जो MCA एंट्रेंस के हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों को बताइए यार कि ऑनलाइन अब जब फ्री में आपके घर पर बैठ के हो रही है, ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, ऑनलाइन वीडियो में पढ़ने के लिए यार वो टाइम सेट नहीं करते हो। पहली चीज़ आपको टाइम टेबल बनाना होगा आपका। ऑनलाइन में यार एक कोचिंग जा रहे हो, आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो ना, तो उसमें ये तरह था कि 2 घंटे यार टीचर पढ़ाएगा तो 10 बजे में पहुंच जाना, तो आप ऑफलाइन क्यों नहीं रह सकते कि यार 10 बजे मुझे 100% पढ़ना है, तो ऑनलाइन भी यही काम कर सकते हो, कर सकते। जब ऑफलाइन 2 घंटे आप जा सकते हो तो ऑनलाइन भी तो आप 2 घंटे के लिए आ सकते हो, 10 बजे से 12 बजे तक हम वीडियो पढ़ लेंगे,
वीडियो हम पढ़ लेंगे तो देख लेंगे उसको, ठीक है ना, तो उससे आपको फायदा रहेगा। और आपके लिए जो आपको दिखता है, जो आपको मोटिव है, उस पर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताएं दोस्तों के यार वहां से आप कर लीजिए, वहां से प्रिपरेशन कर लीजिए, उस वीडियो से आपको देख के कर लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितनी भी ट्रिक होंगी मैथ्स की होंगी, रीजनिंग की होंगी, सारी ट्रिक कराऊंगा मैं, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो जो चीजें आती जाएंगी मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज बतानी है तो आपको मैं बताता रहूंगा, आपको मैं हर चीज के बारे में एक एक पॉइंट आउट के बारे पॉइंट आउट करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ मोटिवेट रहना है, अपने आप को खुद मोटिवेट करो यार, शीशे के आगे खड़े कर दो यार मैं क्यों नहीं कर सकता, शीशे के आगे खड़े करके बार बार कहो कि मुझे NIT त्रिची चाहिए, आपके रूम में लिख लो मुझे NIT त्रिची ही चाहिए। लिखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना भी जरूरी होता है, तो उसके साथ मैथ्स पर रीजनिंग पर मेहनत करो। सब्जेक्ट सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर और इंग्लिश को छोड़ दोगे, वो भी तो 160 मार्क्स के हैं, तो 160 मार्क्स अगर वो छोड़ दिए वो तो मैं एंड में करा दूंगा, वो जल्दी सो जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन।